नमस्कार, मैं आरती और आपका स्वागत है आरजे न्यूज़ में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि अब जो बेरोजगार युवा हैं उनको 12,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी, जिसको लेकर के जो बेरोजगार युवा हैं उन पे ज़्यादा काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। इसी के साथ ही साथ हर एक बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर खुशी की लहर जो है वो छा उठी, क्योंकि 12,000 शिक्षक के पदों पर जो है भर्ती होने की घोषणा जो है जारी कर दी गई है, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर एक तरफ युवाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उदासी छाई हुई है। कुछ ऐसे भी बेरोजगार युवा साथी हैं, ऐसे कुछ छात्रा हैं जिनमें नाराज़गी देखी जा रही है, और उसी नाराज़गी के चलते उन्होंने उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के जो है फर्स्ट ईयर के छात्रा जो हैं वो अपनी पात्रता को लेकर के शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के कार्यालय में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर वे उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और उनकी मांगे ये हैं कि उनको जो है उस चीज़ के लिए उनको अपेयर किया जाए, क्योंकि उनकी ये मांग है कि अगर फाइनल ईयर वालों को ये मौका दिया जा रहा है तो फर्स्ट ईयर वालों को भी ये मौका दिया जाए, जिसको लेकर के वे ज्ञापन सौंपने के लिए उमेश पटेल के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। तो जैसे ही वो आएंगे हम बात करेंगे कि छात्रों की ये मांग आखिरकार क्यों ये मांग की जा रही है, और उनका क्या कुछ कहना है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद वे क्या करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, मेरा नाम दुधराम साहू है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं प्रगति कॉलेज में अभी अध्ययनरत हूँ। हमारी मांग ये है, जो शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन अभी आया है उसमें जो पैरा क्रमांक 13 है उसमें ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जो डिग्रीधारी है पहले से कंप्लीटेड है, जो आपका बीएड है, डीएड है, सीटेट है या सीजीटेट है, वो कंप्लीटेड है, वही एप्लीकेशन वहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमारी मांग ये है कि सिर्फ वहाँ पे पैरा को ये किया जाए, और जो बीएड में फर्स्ट ईयर में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो लोग भी फॉर्म भर सके। और पैरा क्रमांक 13 में जो ये वर्णन किया गया है उसमें ये वर्णन किया जाए कि जो डीवीसी का कार्यक्रम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होता या फिर कोई भी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाए। लेकिन एटलीस्ट अभी तो यहाँ पे उनको भर्ती में अपेयरिंग करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग अभी एक ऐसे मोड पर एग्ज़ाम दिलाए हैं, 3 सालों तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 4थे साल में हम लोग एग्ज़ाम में बैठे, तो हमारी भी मांग है कि हम बीएड फर्स्ट वालों को भी आप इसमें बैठने दिया जाए, क्योंकि जस्ट 1 महीने बाद हम बीएड सेकेंड ईयर में मतलब फाइनल ईयर में पहुंच जाएंगे। तो हमारी भी तो मांग है, क्योंकि भर्ती का प्रोसेस सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट होने वाला नहीं है। भर्ती का प्रोसेस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए 5, 6, 7 लिस्ट आ जाती है, वहाँ पर अगर हमारा डॉक्यूमेंट कोई भी फुलफिल नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप हमें डिसक्वालीफाइड कर दीजिए। लेकिन अभी तो हमें क्वालिफाइड करिए, हम तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं ना। हमारा कई बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले भाई बहन हैं, उनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, कई यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, तो एटलीस्ट उनको तो शामिल किया जाए। रविशंकर यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम चालू होने वाला है, 1 महीने में एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा, और भर्ती का क्या है, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ से तक आपके इंटरनेट सोशल मीडिया में चल रहा है, तो वहाँ तक तो हमारा रिजल्ट तो हाथ में आ जाएगा ना। हमको, हमारी मांग है कि हमको उसमें अपीयर किया जाए। अगर अपीयर नहीं किया जाता, हम अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मिलने भी आए थे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से, उनसे भी मिले, मतलब वो अभी बाहर गए हैं, लेकिन और आएंगे उनसे मिलने के लिए, सीएम हाउस भी जाएंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलने जाएंगे। हमारा ये जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, सीएम जी से शांतिपूर्ण रूप से निवेदन है हमारा कि हमारी जो मांगे हैं उसको कम्प्लीटली संज्ञान में लिया जाए, और तत्समय एक नया विज्ञापन, मतलब उसमें नोट अमेंडमेंट करके एक नया विज्ञापन फिर से पैरा क्रमांक 13 को चेंज किया जाए। और दूसरी नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा ये डिसीजन रहेगा, क्योंकि हम लोग यूनाइट में हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हमने सीएम को 15-20 दिन ऐसे कुछ टाइम दे सकते हैं अगर वो ये करते हैं तो। इसके बावजूद अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तो हम लोग उग्र आंदोलन कर सकते हैं, जितने भी बीएड के प्रथम ईयर फर्स्टधारी हैं। अभी ज्ञापन सौंपने आए थे, हमको बोला गया था कि आपके उच्च शिक्षा मंत्री है करके, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई है, उनसे आपने ज्ञापन सौंपा है, वो बोल रहे हैं कि उनसे ज्ञापन उनको दे दिया जाएगा। सीएम हाउस को भी हमने टैग किया है, मुख्यमंत्री को भी टैग किया है, आपके शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टिकाम जी को भी टैग किया है। एक दूसरी बात बोलना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपने वो एक वीडियो क्लिप देखा होगा कि जिसमें सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात वार्ता कार्यक्रम में गए हुए हैं, उसमें एक युवा साथी बोल रहा है कि हम बीएड के अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, हमको भी इसमें अपीयर किया कर लिया जाए। 15 से 20 लाख फैमिली की ये बात है, ये स्पष्ट वो क्लिप अभी भी यूट्यूब में मौजूद है, तो उस यूट्यूब को क्यों संज्ञान में नहीं लिया गया? उसमें जो बयान दिया गया है वो सीएम का ही बयान है, उसमें सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप तैयारी कीजिए, आपका काका जिंदा है, तो क्या आप
कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और, नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमारी भी मांग है ना, जो आप बोले हैं उसी पे ही हम अड़े हैं, जो आप बोले हैं उसको ही संज्ञान लिया जाए, हमको भी इस भर्ती में अप्रूवल दिया जाए, बस इतनी सी मांग है। अगर ये मांग नहीं रहती, हमारी शांतिपूर्ण निवेदन है सीएम जी से, है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साथी है, आप कैमरा भी इधर से कर सकते हो, जितने भी साथी है वो कई लोग 31 साल के हैं, 32 साल के उम्र के ऐसे पड़ाव में है ना, कई लोग को अभी न्यूज़ वगैरह आया था, कई लोग कुछ भी मतलब अनेकों असामाजिक तत्व टाइप के हरकत करने लग गए हैं। तो आप देश के, आपके राज्य के सीएम हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है सर कि आप हमारी दयनीय दशा और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को अच्छे सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए इस पर संज्ञान लिया जाए, और ये आप जिसने जो वादा किया था वीडियो क्लिप के माध्यम से, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से, वो वादा को आपको पूर्ण करना चाहिए, बस इतनी सी निवेदन है। सर भूपेश है तो भरोसा है, आप लोगों को कितना भरोसा है? भरोसा तो है भूपेश सरकार के ऊपर, बस हमारी निवेदन ये है कि जितने भी अध्ययनरत बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जैसे कि अभी पिछले कुछ समय पहले ये हुआ था कि सीजी टेट और सी टेट में अध्ययनरत और फाइनल ईयर वालों को एलिजिबिलिटी दिया गया था, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक उसी तरह हम यह चाहते हैं कि आप बीएड के जो शिक्षाकर्मी जो का जो एग्ज़ाम है उसमें भी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष सभी को आप शामिल कीजिए, और डीवीसी लिस्ट या फिर फाइनल रिजल्ट के आने के पहले तक अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता तब आप उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दीजिए, और जिसके पास डॉक्यूमेंट आप उसे अलाउ कीजिए। मैं हमारी यही निवेदन है हमारे छात्रों की। उम्मीद तो है, काका है, हम भी काका के ऊपर भरोसा करते हैं, पूरा भरोसा है, काका है तो भरोसा है, और काका है तो रोज़गार, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है अभी और आने वाले टाइम के लिए, देखिए क्या होता है आगे।